नमस्कार दोस्तों, देसी घी खाने की परंपरा हमारे यहाँ पुराने जमाने से चली आ रही है। पहले के लोग देसी घी का प्रयोग खाने पीने से लेकर बालों और त्वचा को ठीक रखने के लिए भी करते थे। यही कारण है कि पहले के लोग अभी के अपेक्षा ज़्यादा सुंदर और स्वस्थ थे और पहले के लोग बीमार भी कम होते थे। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे खाने के तेल के साथ साथ बालों और त्वचा के लिए भी अलग अलग चीज़ उपलब्ध है, जिसके कारण देसी घी का प्रयोग करना लोग एकदम भूल ही गए हैं। इसके इतने सारे फायदे होने के बावजूद लोग इसे खाना बंद कर चुके हैं और मार्केट में मिलने वाले तेलों को खाकर दिन पर दिन अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। और आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, बाकी सबको कुछ ना कुछ बीमारी होता ही है। लोगों को आजकल ऐसा भी भ्रम है कि देसी घी खाने से मोटापा बढ़ता है, तो आज मैं आपको बता दूं कि देसी घी से मोटापा ज़रूर बढ़ता है, लेकिन ये तब होता है जब आप सही मात्रा और सही तरीका से देसी घी का सेवन नहीं करते। आयुर्वेद के अनुसार देसी घी क्या सही तरीके से प्रयोग करने से शरीर का वजन घटता है और शरीर पुष्ट होता है? देसी घी में विटामिन ए, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन K2, कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो चलिए जानते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कैसे देसी घी का सेवन सही तरीके से किया जाता है। प्रतिदिन रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच देसी घी खाने से भी हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है। इसके अलावा अगर आप सुबह खाली पेट देसी घी नहीं खाना चाहते, तो रोज रात को 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पीने से भी हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है। रोजाना 1 चम्मच घी और साथ में थोड़ा सा गुड़ दिन में कभी भी एक बार खाने से भी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ ही दिनों में मजबूत हो जाएगा और आप हमेशा निरोग रह सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं अगर कोई नई वीडियोस लाऊं तो आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू।